हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जीक्यूटिव लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबा यूएस के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा में साम्यवादी क्रांति के बाद फिदेल कास्ट्रो वहां के राष्ट्रपति बने। सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि यूएसए क्यूबा पर आक्रमण कर वहां पर तख्तापलट कर देगा। क्यूबा साम्यवादी था, उसका झुकाव स्वाभाविक रूप से सोवियत संघ की तरफ था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्शेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, जिससे अमेरिका के मुख्य भूभाग और अधिकांश शहर यूएसएसआर के निशाने पर आ गए। सोवियत संघ के निशाने जो क्यूबा है एक सोवियत संघ से लगा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा में क्या हुआ था, सोवियत साम्यवादी क्रांति के बाद फिदेल कास्ट्रो वहां के राष्ट्रपति बने। सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि जो क्यूबा है उस पर यूएसए आक्रमण करेगी, क्योंकि यूएसए एक पूंजीवादी और उधारवादी कंट्री था, जबकि क्यूबा साम्यवादी कंट्री था और उसका झुकाव स्वाभाविक रूप से सोवियत संघ की तरफ था। सोवियत संघ भी एक क्या था, साम्यवादी कंट्री था। सोवियत संघ के नेता जो निकिता खुर्शेव थे, उसने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, जिससे अमेरिका के मुख्य भूभाग व अधिकांश यूएसएसआर के निशाने पर आ गए। क्यूबा में यूएसएसआर द्वारा तैनात की गई मिसाइलों की भनक यूएसए को 3 हफ्ते बाद गई। यूएसए कुछ भी करने से हिचक रहा था, जिससे दोनों देशों के बीच स्थिति और खराब हो जाए या युद्ध की स्थिति हो जाए। लेकिन यूएसए चाहता था कि सोवियत संघ क्यूबा से मिसाइलें और परमाणु हथियार हटा दी। जब क्यूबा में यूएसएसआर सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें तैनात की, तो उसकी बना कि यूएसए को 3 हफ्ते बाद यूएसए से कुछ भी करने से हिचकिचा रहा था, कि जिससे कि दोनों देशों के बीच क्या हो, परमाणु युद्ध छिड़ जाए, युद्ध की स्थिति बन जाए, तो इससे यूएसए से हिचक रहा था। लेकिन वो यूएसए चाहता था कि सोवियत संघ क्यूबा से मिसाइलें और परमाणु हथियार हटा दे। तत्कालीन जो अमेरिका राष्ट्रपति थे जेफ कैनेडी ने यह आदेश दिया कि यूएसए के जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने से सोवियत जहाज को रोका जाए। इस तरह यूएसए सोवियत संघ की को मिसाइलें तैनात के मामले में अपने प्रति गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था कि क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनाती दोनों देशों के रिश्तों को और गंभीर या बिगाड़ सकती है। ऐसी स्थिति में ये लग रहा था कि युद्ध होकर ही रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। जो तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति जेफ कैनेडी थे, उस समय यह आदेश दिया कि यूएसए के जो जंगी बेड़े हैं उसको आगे किया जाए, इस करके क्यूबा की तरफ जाने वाली जो सोवियत जहाजों को रोका जाए। इस तरह यूएस सोवियत संघ को यह चेतावनी देना चाहता कि जो मिसाइल तैनात किया उसके प्रति यूएसएसआर को सोवियत संघ को चेतावनी देना चाहता था। क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनाती दोनों देशों को रिश्तों को और गंभीर कर सकता है। जो यूएसएसआर को ये चेतावनी देना चाहता था कि जो उसने मिसाइल तैनात की है क्यूबा में, वो दोनों देशों के रिश्ते को और गंभीर कर सकता है। ऐसी स्थिति में ये लग रहा था कि दोनों देशों के बीच युद्ध होगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ उदारवादी लोकतंत्र व पूंजीवाद देशों का गुट जिसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था, इसे पश्चिमी गुट भी कहा जाता था। दूसरी तरफ था साम्यवादी देशों का गुट, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, इसे पूरी गुट भी कहा जाता था। तो ये हो गया क्यूबा मिसाइल संकट। इसलिए था कि शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, एक तो साम्यवाद, दूसरा तो उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का। उदारवादी लोकतंत्र व पूंजीवाद का नेतृत्व यूएसए कर रहा था, जिसमें पश्चिमी देश थे ब्रिटेन, फ्रांस और ये। दूसरी तरफ थे साम्यवादी देशों का गुट, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, इसे पूरी गुट भी कहा जाता है। ये समाजवाद पर आधारित था, ये सोवियत संघ का गुट। तो ये हो गया क्यूबा मिसाइल संकट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो।